फिर भी अपने आप को कहते हैं लाचार है, बेचार है, कुछ नहीं कर सकते हैं हम, कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही कमजोर बनी हुई है, कमजोर पैदा किए हैं हम, कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम ये वो आराम से बैठे होते हैं और कुछ वाकई नहीं करते, हकीकत में कुछ नहीं करते। इसका वजह क्या है? क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने हमें इतने बड़े ताकत पैदा किए, हम अपने सलाहियतों को जानते ही नहीं। यही वजह है। एक कॉल होल्ड पे, इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। डॉक्टर कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? फरीद अदीन कृषि, कल आपके कोर्स किया था जी। फरीद अदीन साहब, क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही आला कोर्स था, और आपसे जैसे पर्सनलिटी ने जिंदगी में नहीं देखी। आपने आपके जितना इल्म है, आपने इतना इल्म हासिल किया, आपकी जो बातें हैं ये अनबिलीवेबल है। और हकीकत में जो कुछ आपने बताया है वही सब कुछ है जो लोग, जितना आपने आपकी किताबें पढ़ के मालूम हुई है बातें, और यही हकीकत है। और कल एक एक्सपीरियंस हुआ था, वहां से शेयर करना चाह रहे हैं। तो कीबोर्ड ऑर्गन था हमारा, उसको हम प्ले कर रहे थे, तो उसमें से आवाज खड़कर नीचे से आ रही थी, मतलब नीचे से अर्थ नहीं था। तो हमने क्या किया, थर्ड लेवल अप्लाई किया, नीचे हाथ रखा थोड़ी देर, हालांकि वो उसका ग्राफ भी सही नहीं बनाया था, सही सही नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा 2-3 मिनट के अंदर बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल माइंड फ्रिक्वेंसी से मिलकर सही हो गया वो। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसका मतलब है समझा बेजान चीज हो गए वे काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड लेवल वो जो एनर्जाइज वाला जी, जी, किया था। जी, बहुत बड़ी बात है ना। ये लोग सुनते हैं इतना बेयकीन है ये लोग, तो बाज़ लोग जो है ना बहुत से बेयकीन, ये सुनते हैं बेहद हैरान होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। ये नहीं, असल बात ये कि जिसका पास इल्म नहीं हो तो वो नहीं माने, इसको इल्म पता लग जाए तो बिल्कुल मानेगा, आपको मालूम हुआ, आपने हमें बताया, और हकीकत में जो हकीकत है उसको तो आप जुटला नहीं सकता आदमी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हकीकत तो हकीकत होती है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात आपके हमारे पास उम्मीद है कि बस अगर मैं फोल्ड कर सके तो आगे सारे लेवल्स कर ले बस। सही सही, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इस तरह बेजान चीजों में मेरे ख्याल में दूसरे स्टूडेंट्स ने भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे वही पे क्लास के दौरान। और इसके अलावा एक और भी था कि अपने डिस्टर्ड हीलिंग की, मेरी बीवी का मूड सही था तो ऊपर जाके उसकी थोड़ी डिस्टर्ड हीलिंग की, बहुत अच्छा मूड हो गया माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है, इस्तेमाल किया उसने। ये लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों के, पार्टनर्स आपस में बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और बहुत ही उनके कैफियत बड़े अजीब सी हो गई है आजकल, और इतनी नाचाकियां घरों में आ गई हैं। तो अगर कोई ऐसा मुस्बत एनर्जी हो ऐसा, ताकि मूड को सही किया जाए ना, मूड बिल्कुल लकी कर रही है, तो बहुत जरूरी है इस दिवाली जिंदगी में। और फिर वो अगर माँ बाप लड़ते झगड़ते हैं तो उसमें फिर बच्चों पे क्या असरात करेंगे, वो बहुत बुरे असरात करेंगे। और ये इरादा है कि अपने म्यूजिक से ताल्लुक है थोड़ा सा, तो म्यूजिक को भी इस पे रिसर्च करके मजीद इस पे इफेक्ट डालेंगे, म्यूजिक पे इसके इफेक्ट, ताकि लोगों पे अच्छे इम्पैक्ट पड़े इसके। बिल्कुल बिल्कुल, दीन के हवाले से देखे एक ये तो अच्छा काम तो है जो दीन के बेस है, मनबे है ना जी, तो ये बहुत है अच्छा, मुस्बत असरात है, जो मुस्बत एनर्जी है वो दीन ही है, दीन के असरात है बिल्कुल से। और सबसे बड़ी बात जो हमने वहां नोट की, आप दुआ पे जब आपने बोला दुआ करवाई तो खुद ब खुद हाथ उठ रहे थे, लगा था किस जगह से पल्स उठा रही है हाथ को, हाथ खुद बहुत उठे थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है, और दुआ कबूल हो जाते हैं। बहुत अच्छी कराई आपने, बहुत अच्छा रहा, और बड़ा लगा कि बस समझ ले कि कल बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग हुई थी, परसों ज्यादा अच्छी फीलिंग कल हुई थी, और पूरे फ्रेश हर वक्त लग रहा था एनर्जी अंदर मौजूद है, एनर्जी की ठंडक ठंडक मौजूद है एनर्जी की जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, एक कॉलर होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सुहेल बात कर रहा हूँ, आपका स्टूडेंट। कौन, क्या नाम बताया? बशीर, मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल जी, मोहम्मद सुहेल साहब आज के प्रोग्राम में क्या कहना चाहते हैं? कल का बस वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं कल, मुझे सब मुझे पार्किंग की जरूरत थी जी जी, तो मैंने वो समाधान आपका एनर्जी स्टार्ट किया तो वो ऐसा वर्क किया कि मुझे पार्किंग मिल गई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ट्रैफिक पे मिल गया आपको ट्रैफिक? जी दिल अलहमदुल्ला बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, मैं ऐसे अपने आप को एक टावर फील कर रहा हूँ,
और जो मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो काम कर रहा है। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बात है कि चलो हमने अपने आप को समझ लिए कि हम सफल मखलूकात हैं और अल्लाह ताला की रिलैक्स फील कर रहा हूं बड़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूं। बहुत अच्छा, और आपने बड़ी खूबसूरत बातें कही थी वहीं पे, बड़ी मुस्बत बातें कही थी आपने। आप शुक्र से बढ़ता है, सही, आप शुक्र करो मैं ज्यादा दूंगा, तो हम इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं शुक्र को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, एनर्जी में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी यानी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, कारोबार में अप्लाई कर सकते हैं शुक्र को। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो पावर आपके पास है तो उसे ऐसे इसका शुक्र अलग अदा करे तो इंशाल्लाह तला पावर भी बढ़ेगा। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह अता फरमाते हैं। एक चीज मैंने वो फील की इससे, जी जी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक मैग्नेटिक मैग्नेट हूँ, जो मैं सोच फ्रिक्वेंसी खारिज करूंगा वही मेरी तरफ रिटर्न आएगी। अगर मैं से नेगेटिव सोचूंगा तो मेरी तरफ नेगेटिव चीजें आएंगी, अगर मैं से पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो मेरे पॉजिटिव चीजें आ रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, मेरे इसी पे बात हो रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव ताकतें क्या किस तरह की। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बड़ा रिलैक्स, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा, थैंक्स अ लॉट सर, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आपने बड़ी लाइफ को और मजीद अच्छा कर दिया माशाल्लाह। जी बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हाल भरा हुआ था, इतने लोग थे और उसमें से तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, सबके क्रोनिक मसाइल ठीक हुए थे। जी जी बहुत बड़ा, मेरे एक पेशेंट को अपने उसको हील किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसे ही बड़ी शिफा हुई है। अच्छा शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने उनसे कहा आप रिलैक्स होकर बैठ जाए, मैं यहाँ से कुछ ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, उनको भी फर्क पड़ा था, उस 10 मिनट बाद फोन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत इजी हो गया सांस लेने में, बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, खुशगवार फील कर रही हूँ। जी बहुत अच्छा, और इंशाल्लाह आगे लेवल करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह सर। तो बहुत शुक्रिया, आपने और कुछ कहना चाहते हैं सर? बड़ी मेहरबानी, दुआ देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की वजह से तो हम इंशाल्लाह अल्लाह और इल्म अता फरमाएंगे और इंशाल्लाह। और एक चीज और तो सर, मैं वो जो एक सुन्नत को, एक जो आप हदीस मुबारक है कि इंसान ने अपने अपने आप को पहचान लिया, उसने रब को पहचान लिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हमें अपने आप को ही पहचानना है, बिल्कुल अपने सलाइतों को, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अल्लाह ने जो दिए हैं उनको जानने की कोशिश करें तो हमारे लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। जी बेशक बेशक, सही फरमा रहे हैं, कायनात को मुसखर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जमीन हमारे एक एक कदम जमीन पे, अगर हम चाहें अपनी सोचों से और आपकी शफकत से तो हम अपनी दूसरा स्टेप जो है कायनात के दूसरी कायनात में रख सकते हैं। बिल्कुल, हम इस कायनात को डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने ये हमें अता किया है ये सलाह। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू। बात हो रहे थे 7 पे और लेवल 7 एक बेहतरीन लेवल है, 100 ट्रिलियन पावरफुल इंसान अशरफुल मखलूकात, ये कितने ताकतवर है, कितने पावरफुल है। एक कॉल होल्ड पे है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं एरम जावेद बात कर रही हूँ, फैरोजी एरिया से। एरम जी, जी एरम जावेद, आज के प्रोग्राम में क्या कहना चाहती हैं? सर आप, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे कॉल मिली और मेरी आपसे बात हो रही है। जी बहुत अच्छा, मैंने संता के 4 लेवल किए हैं आपसे और मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत फायदा पहुँच रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अपने आप को बहुत पुरसुकून कैसे महसूस कर रही हूँ। जी जी जी, मैंने अपने सेल्फ फीलिंग की और साथ ही अपने बच्चों को भी जो बहुत जगाते थे, बहुत सारा अजीम ये हाल था। जी जी, लेकिन जब मैंने इनको एनर्जाइज किया तो यकीन करें मुझे खुद को यकीन नहीं हो रही क्या हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, माहौल एकदम से चेंज होता महसूस हो रहा है। जी जी बिल्कुल, बच्चों पे अच्छा असर कर रहे हैं, बहुत बहुत बच्चों पे भी ये रियलाइज हो रहा है कि क्या हो रहा है, आजकल माहौल चेंज हो गया है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चों के पापा भी बहुत खुश है इससे और वो भी चाह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी 7 साल है उनको भी मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू उनको भी सिखाऊं। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी के साथ जब मैंने अपने दूसरे बहन भाइयों को भी जब हीलिंग देनी शुरू की तो उन्होंने तो मुझे दुआएं देनी शुरू कर दी, तो मैंने उनको यही कहा कि आप बस मेरे उस्ताद की दुआ कीजिए जिन्होंने मुझे दिल से रोशना करवाया है।
बहुत शुक्रिया। बस आपकी दुआएं ये हैं कि बस आप किसी की हीलिंग करें, वो दुआ करें ना करें अल्लाह कबूल कर लेते हैं। इंशाल्लाह सर, आप दिल से दुआएं निकल रही है, आप दिन दुगनी रात तरक्की करें, बस ये दुआ निकलती है। अल्लाह को पता होता है सब कुछ का ना, तो बस कोई आप जब किसी के दर्द दुख दूर होते हैं किसी, वो एकदम से दिल को खुशी होती है जब किसी का दर्द दूर होते देखते हैं ना जी, तो खुशी हो रही है कि अल्लाह ताला ने बस आपको वसीला हमारे बना के भेज दिया है। बिल्कुल, अल्लाह अल्लाह बस हमारे एक ताकत है अल्लाह ने ये, हाँ एक हम एक सबब है, बस आप भी एक सबब है आपकी वजह से जी, आपको किसी ने किसी के सबब बना दिया है, जिस तरह से आप बने हैं अब हम भी किसी को फायदा पहुंचाए तो वो एक निकलती है दुआ, भले वो कहे ना कहे। बिल्कुल, कि हम से सदा आपके लिए दुआ करते रहेंगे कि आपने बहुत ही नेक काम किया है, और बस ये दुआ कर निकलती है कि बस अल्लाह आपको और तरक्की दे और मजीद, और आपको अल्लाह ताला और तरक्की दे, सबको आप रोशनाश करवाए जी। बहुत हमारी ये कोशिश है कि हम और मजीद स्टूडेंट को तैयार करें इसके लिए, ताकि ये सबको फायदा पहुँचे। इंशाल्लाह आप करेंगे, इंशाल्लाह सब स्टूडेंट हमारे साथ है और बहुत अच्छे हैं सभी, और दूसरों के लिए हमदर्दी होते हैं लोगों के दिलों में, आपने खुद देख लिए कि वो हाल भरा हुआ था और उस हाल में सब जो थे वो कितने खुश थे और कितने अच्छे, और सब क्योर हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह सबके एकदम से, सबको जब आए सब घबरे हुए थे क्या होगा, जब गए तो यकीन कर सबके चेहरे रौनक सी थी। हाँ अगला दिन, और जब आए कुछ कोई चीज अचीवमेंट करके हम निकल रहे जी, जब हमने अटेनमेंट लिए थे तो वो कहते हैं कोई बाहर दौड़ रहे थे फुल ऑफ एनर्जी, बहुत मजा, और एंजॉय कर रहे थे, हर कोई एंजॉय कर रहा था। बिल्कुल, हम कुछ बात को मैसेज कर रहे, रौनक थी चेहरे सबकी, चेहरे रौनक थी। बिल्कुल दौड़ रहे थे, कहते हैं लोगों के जिंदगी में इतनी खुशी है, कहते कभी महसूस ही नहीं कैसी खुशी, लेकिन जब ये जब हम कुछ सीखने के लिए गए तो वाकई महसूस हुआ कुछ चीज सीख के निकले जी। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात है कि खुद हमने खुद महसूस किया कि हम जब गए थे किसी चीज को हासिल करने के, तो वो हासिल करके और खुशियां साथ लेके जा रहे। बिल्कुल हकीकत में वो जब वहां से निकले तो खुशियां साथ, और जब वापस आए वो कैसे किस तरह जज्बे से थे लोग और कितना मुस्तैद थे। मैंने जब मैं इस माह रबी अव्वल के महीने में दरूद पाक बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, जब मैंने सेल्फ हीलिंग की और पढ़ते हुए जब मैंने आसमान की तरफ निगाह की तो मुझे पूरा गुंबद खजरा बनता हुआ दिखाई दिया। उस वक्त जो मेरी दुआएं निकली ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं सोच नहीं सकती थी कि ये मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत मुझे अच्छा लगा सर, आपने बस हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, और बस दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला आपको और मजीद इल्म से नवाजे और आप सबको इस तरह फायदा पहुंचे। अल्लाह ताला आप लोगों को, ये आप लोगों के खूबियां हैं आप लोगों के, क्या आप लोग तलाश में थे जो अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ अता किया आपको, और एक मुस्बत तरफ सबसे बड़ी बात है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके कोई नुकसान नहीं। हमने तो बहुत एंजॉय किया है, अपने आप को वाइब्रेशन महसूस होते हुए देखा है, एक रोशनी सी एक नूर सा बरसता हुआ जिसम में आते हुए महसूस किया, एक पावर को एनर्जी को। बिल्कुल बिल्कुल, जब किसी को हीलिंग दे रहे होते तो वो हमारी भी हीलिंग हो रही होती है, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। हाँ लोग फिजिकल चीजों की बातें करते हैं, ये होगा वो होगा ऐसा होता है ऐसा, ये कुछ भी नहीं है, ये तो सब वहम दूर हो जाते हैं जब सीखते हैं तो सब कुछ वहम दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने नहीं देखा कोई चीज, और अल्लाह अता करते हैं, अल्लाह के नूर है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह ने तो ये वाकई नूर आते हुए देखा है, महसूस क्या करते हैं कि कोई चीज है अल्लाह ताला की तरफ से कोई सा नूर दे जो हमारे जिस्म पे हो, अब जब हम हीलिंग कर रहे होते तो वो नूर आता है, आता हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल सर, कोई नूर सा मतलब हम महसूस कर रहे हैं तो चीज पावर हमारे जिस्म में आ रही है, महसूस करते हैं इस चीज को, वाइब्रेशन महसूस करते हैं इस चीज को। बिल्कुल सही सर, आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत मुस्बत इस तरह के इंशाल्लाह हम अपने जिंदगी को और मुस्बत तरीके से और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह गुजारेंगे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त नहीं है, इख्तिताम को है, और अगले इंशाल्लाह ये जो लेवल्स आपको बता रहा हूँ इस लेवल्स के,
हम थोड़े कुछ रह गए और HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स के बेनिफिट्स इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम ज़रूर जिक्र करेंगे। अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।